हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में दोस्तों आज है 15 जून आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना चैनल पर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचता रहे चलिए तो सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेंगे हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ तो अभी तेरह जून को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अल्बनिज जागरूकता दिवस मनाया गया इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ थीम के साथ और भारत और मालदीव के बीच में एक्स एक्न नाम से एक अभ्यास शुरू हुआ है सर्बियन ट्रॉफी एनडी मर ने जीत लिया है और भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री ने डब्ल्यू एच ओ का हेल्थ फॉर ऑल पुरस्कार जीता है एडीबी और हिमाचल प्रदेश इनके बीच में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक मिलियन डॉलर के रेट समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है यूनेस्को में फिर से शामिल होने की इच्छा जताई है अमेरिका ने और गुजरात जो है स्थापित और मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे नाम से घोषित किया है इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बुरस्कोनी का निधन हो गया है ये टॉप टेन करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिविजन अब आज की करंट अफेयर तो पहला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ये होता है दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है ये ना सिर्फ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बल्कि वैसे भी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनर डे दोस्तों ब्लड डोनर्स जो होते हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए साथ ही साथ और भी लोगों को जागरूक करने के लिए जिससे लोग आगे आ सके ब्लड को डोनेट करने के प्रति ब्लड डोनेशन से कई कई बार जिंदगी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आकर के बच जाती हैं क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ, -कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और उनके ब्लड जल्दी नहीं मिल रहा रहे होते हैं तो ऐसे में कोई फरिश्ता ही बनकर आता है समझ लो जिसका उस ग्रुप का होता है और दे देता है डोनेट करता है तो, तो फिलहाल दुनिया भर में ब्लड डोनर्स को जो ब्लड देने वाले हैं रक्तदाता करने वाले रक्तदाता होते हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस बार की थीम रखी गई है गिव गिव ब्लड प्लाज्मा लाइफ अच्छा एक और जरूरी बात विश्व दिवस 2023 का जो वैश्विक कार्यक्रम होगा उसके लिए मेजबान देश इस बार अल्जीरिया को चुना गया है ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में इस बार का मेजबान देश कौन है अल्जीरिया इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई दो से डब्ल्यू के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है आगे अब देखो यहाँ पर जून महीने के अभी तक कौन कौन से दिवस आए हैं आज हम लोग रिविजन कर लेते हैं एक जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया दो जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस तीन जून को विश्व साइकिल दिवस पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस सात जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी फूड सिक्योरिटी डे आठ जून को विश्व महासागर दिवस आठ जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और नौ जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया बारह जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और वहीं तेरह जून को अंतरराष्ट्रीय एल्बनिज्म जागरूकता तो दिवस मनाया गया आगे बढ़ते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा पर अपना चौथा युद्धपोत आई संशोधक लॉन्च किया है तो देखो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में चेन्नई में अपना चौथा युद्धपोत एस वी एल कैटेगरी का आई एन संशोधन लॉन्च किया है आई एन ठीक है यहाँ पर देखिए लॉन्च ऑफ संशोधक फोर्थ सिप ऑफ सर्वे वेसल्स लार्ज एस कैटेगरी से कहते हैं एस वी एल कैटेगरी के तहत ये चौथा है और आई संशोधक जिसको अभी लॉन्च किया गया है चेन्नई में इसको भी बनाया गया है गार्डन रीच सिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा जी आर एस सी कोलकाता के द्वारा इसे भी बनाया गया है ये एक सर्वे वेसल है रक्षा मंत्रालय और जी आर एस सी के बीच में 2018 में ही चार के लिए एक डील हुई थी जिसके तहत तीन तो आ गए थे इसके पहले ही और ये चौथा और आखिरी था फोर्थ और लास्ट था ये आई संशोधक ठीक है इससे पहले आई एन एस संध्याग आई निर्देशक और आई एन आ चुके हैं ऑलरेडी देखो आई लगा है इसका मतलब ये इंडियन नेवल शिप है कभी कभी आपको देखने को मिलता है आईसी जी आईसीजीएस अगर नाम में लिखा मिले तो आप समझिएगा ये इंडियन कोस्ट गार्ड का सिप है इंडियन कोस्ट गार्ड का ये सिप है ठीक है ना यानी भारतीय तटरक्षक का है और ये मिले तो मतलब भारतीय नौसेना का ये जहाज है ठीक है SLV जो है ये क्या करता है ये गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में मदद करता है समुद्र संबंधी डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है और हर प्रकार के सर्वेक्षण करने में सर्वे करने में ये एक नई पीढ़ी का जहाज होता है क्लियर तो अभी इंडियन नेवी ने इसे चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है अब इंडियन नेवी आया है तो चलो मुझे कमेंट करके बताओ भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में चार दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है अगला है हाल ही में जारी कम्युनिटी स्प्रिट इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे अमित्र शहर बताया गया है तो दोस्तों अभी हाल ही में कम्युनिटी स्प्रिट इंडेक्स जारी हुआ इसमें दुनिया के सबसे फ्रेंडली और दुनिया के सबसे अनफ्रेंडली सिटी की लिस्ट जारी की गई फ्रेंडली सिटी के मामले में टोरंटो जो है ये टॉप पर रहा और वही घाना जो है ये सबसे अनफ्रेंडली सिटी में टॉप पर रहा है आइए पूरी लिस्ट देखते हैं इसमें मुंबई और दिल्ली भी शामिल है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनफ्रेंडली इंडियन सिटीज के रूप में शामिल है ठीक है मतलब अनफ्रेंडली दुनिया के सबसे ज्यादा अनफ्रेंडली जो सिटीज हैं उनमें ये शामिल है इस रैंकिंग में बहुत सारे देशों के तिरपन सिटीज को शामिल किया गया है कि कौन से देश कितने ज्यादा फ्रेंडली हैं मैत्रीपूर्ण शहर है तो टोरंटो इसमें टॉप पर रहा है सिडनी सेकेंड पर थर्ड पर रहा है न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा फ्रेंडली सिटी में और अनफ्रेंडली सिटीज में घाना जो है ये टॉप पर रहा है सेकंड पर मोरक्को थर्ड पर मुंबई रहा है और छठे स्थान पर दिल्ली का भी स्थान आ जाता है ठीक है तो ये दुनिया के शीर्ष अमैत्रीपूर्ण शहर हैं मतलब यहाँ पर लोग जो रहते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं ठीक है ना आगे हाल ही में कहा के जी एस आई टी आई संस्थान को अति उत्तम की ग्रेडिंग के साथ मान्यता प्रदान किया गया दोस्तों अभी हाल ही में हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है जी एस आई टी आई इंस्टीट्यूट इसको अभी हाल ही में रिकॉग्नाइज किया गया है एक अति उत्तम की ग्रेडिंग के साथ यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स एक्डिटेड एज अति उत्तम तो अति उत्तम जो है इसका एक प्रकार से सम्मान या कहें कि एक टैग मिला है इसे ठीक है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्टीट्यूट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हैदराबाद में स्थित है वर्तमान में तो इसको ये मिला हुआ है ठीक है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को किसके द्वारा दिया गया है इसे नाबेड के द्वारा दिया गया है एन ए बीटी के द्वारा यानी कि नेशनल एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये दिया गया है अगला जून 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आठ हजार करोड़ रुपए के आपदा प्रबंधन की कितनी योजनाओं का ऐलान किया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने आठ हजार करोड़ रुपए के आपदा प्रबंधन योजनाओं की घोषणा की है और ऐसे तीन योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया है तीन योजनाओं के तहत आठ हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है ये तीन स्कीम कौन कौन सी होंगी आइए जानते हैं तो इन तीन में इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि राज्यों में आपदा के प्रबंधन के लिए मतलब डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए आधुनिक सेवाओं और उसके विस्तार के लिए पांच हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे इसके अलावा ढाई हजार करोड़ रुपए का इस्तेमाल ये मुंबई चेन्नई कोलकाता बेंगलुरु हैदराबाद अहमदाबाद पुणे जैसे सिटी, सिटीज में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए करेंगे साथ ही साथ तीसरी जो स्कीम होगी वो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम समन योजना के तहत होगी 825 करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए जाएंगे 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो ये तीन जगहों पर कुल मिलाकर के 8000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने की योजना बनाए हैं गृह मंत्री अमित शाह अच्छा अमित शाह के पास एक और मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय ये भी याद रखिएगा सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है ठीक है ना मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अगला तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2023 के लिए युवा उद्यमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया तो दोस्तों अभी हाल ही में सुरेश नागला और विनय अडागरी इन दोनों को सम्मानित किया गया है ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इन दोनों को युवा उद्यमी पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है यहाँ पर आर्टिकल देखिए विनय अडागरी एंड सुरेश नागला कॉन्फ्रेड इंटरप्री ट्वेंटी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अभी दोनों के बारे में जानिए तो सबसे पहले तो ये किसके किसके द्वारा दिया गया तो दोनों के द्वारा दोनों को अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दिया गया एक तो तेलंगाना सरकार की तरफ से तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी की तरफ से दिया गया और दूसरा वंदे भारत ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है ठीक है इन दोनों को सुरेश नागला और विनय अडागरी को विनय अडागरी और सुरेश नगरा ये दोनों एल्टशन लिविंग के सह संस्थापक और निदेशक हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य के इसाद आम को जी टैग दिया गया तो देखो इसाद आम ये प्रोडक्ट है कर्नाटक का और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको भी टैग मिल चुका है अब देखो ये है इसाद आम इसाद आम के अलावा बहुत सारे आम हैं देश के जिनको जीआई टैग मिल चुका है जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को मिल चुका है जीआई टैग जैसे बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिल चुका है जैसे भागलपुरी जर्दालू आम बिहार को मिल चुका है जीआई टैग ठीक है ना ये सभी जो हैं आम हैं, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है अब बात करते हैं जीआई टैग की जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये क्या होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देखो दोस्तों तब दिया जाता है जब किसी प्रोडक्ट की ख्याति और ज्यादा बढ़ानी हो किसी की ब्रांडिंग और ज्यादा बढ़ानी हो उसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाना हो साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग रुकवानी हो लेकिन इसके लिए चाहिए कि वो प्रोडक्ट फेमस हो कोई खास जगह पर कोई खास मात्रा में उसकी उपज होती हो जिसको लगे कि हाँ इसको इस लेवल पर उपजाया जा सकता है इसका उत्पादन किया जा सकता है जिसे इसे ग्लोबल मार्केट में भी भेजा जाए तो सप्लाई हो सके तो ऐसे प्रोडक्ट को जी टैग दिया जाता है जब वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस होने लगता है तो तो अब इससे उसकी और ज्यादा ब्रांडिंग बढ़ जाती है साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग वगैरह भी रुक जाती है तो जीआई टैग देने के लिए इसके लिए एक बिल लाया गया था 1999 में और वो बिल जाकर के एक्ट बना 2003 में इसीलिए हम लोग करते हैं कि जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई 2003 से लेकिन पहला प्रोडक्ट जो दिया गया जीआई टैग के तहत वो दिया गया दार्जिलिंग की चाय को 2004 में याद रखना 2004 में जाकर के पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग की चाय हुआ पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है जिसको पहली बार मिला था जी टैग ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस इसाद आम के बारे में जानकारी ले, ले, ले लेते हैं इसाद आम बेसिकली ये अंकोला के आसपास उगाया जाता है कर्नाटक के अंकोला के क्षेत्र के पास आसपास में और इसके लिए अंकोला के ही माथा टोटगर्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा जी आई के लिए आवेदन किया गया था अच्छा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सबसे ज्यादा जी आई के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है सेकंड पर यूपी है और थर्ड पोजीशन पर पड़ता है कर्नाटक ये अपडेटेड है इसको याद रखिएगा सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला प्रोडक्ट वाला राज्य कौन सा है तमिलनाडु है ठीक है वहां पर पचपन से ज्यादा जीआई टैग है पचपन है और सेकंड पर यूपी है आज के टाइम पर अड़तालीस है कर्नाटक थर्ड पर है कर्नाटक में अभी तक छियालीस था लेकिन अब इसको लेकर के सैतालीस हो गए क्लियर यूपी के अभी कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए जैसे मैनपुरी ताराकाशी महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संभल सिंह सिंह शिल्प इन तीन को तो अभी रिसेंटली दिया गया इससे जस्ट पहले भी चार को दिया गया था कौन कौन से चार प्रोडक्ट थे एक तो बनारसी लंगड़ा आम बनारसी पान इसके अलावा रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल ये चार प्रोडक्ट को और दिया गया था जी टैग ये यूपी के प्रोडक्ट हैं ये सब आप याद रखेंगे और जम्मू कश्मीर के अभी बसोहाली पेंटिंग को दिया गया था और मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को दिया गया था बिहार के मरचा चावल को दिया गया था जी टैग ये सभी प्रोडक्ट हाल फिलहाल के पिछले एक दो महीनों में पाए हुए जीआई टैग हैं जो भी मैंने बताए हैं इनको रिकॉल कर लीजिए एक बार फिर से अगर नोट डाउन नहीं किए है नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कर्नाटक के बारे में जान लीजिए कर्नाटक आप मैप में देखोगे तो यहां पर है अभी रिसेंटली यहां पर चुनाव भी हुआ था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी से सिद्धारमैया जो हैं ये बन गए हैं ये बन गए हैं नए सीएम ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं ठीक है और ये नए सीएम बन गए हैं यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत बेंगलुरु इसकी कैपिटल है और यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है नागर होल भी पूछा जा सकता है आपसे ठीक है बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं कैंपे गौड़ा कैंपे गौड़ा ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हीं की अभी एक फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है उद्घाटन किया गया है कुछ दिन पहले कुछ महीनों पहले और जिसे कहते हैं स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसे नाम दिया गया है याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है क्लियर बाकी कर्नाटक अपना बॉर्डर ये गोवा से, से शेयर करता है महाराष्ट्र से तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केरला से, से शेयर करता है ओके okay? अच्छा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए देखो दोस्तों आपको पता है सीजीएल का टायर वन टायर टू के लिए जीए सफलता बैच आया हुआ था महीने पहले आया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे ज्वाइन किया था बहुत अच्छे से तैयारियां चली इसमें सारी क्लासेस लगभग लगभग हो चुकी हैं तो ऐसे में अब पंद्रह से बीस दिन ही बचे हैं एग्जाम को इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर इसमें कुछ ऐसा ऑफर दीजिए कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए जिससे कि वो भी इसे ज्वाइन कर पाए जो नहीं ज्वाइन कर पाए हैं इसे क्योंकि जीएस में स्कोर तो करना जरूरी है बिना जीएस के स्कोर करे आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अभी आपने देखा सी एच एस एल का कितना ज्यादा कट ऑफ चला गया था टायर वन में ही तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों के लिए तो मैं नहीं ऑन कर सकता नहीं तो बाकी लोग जो लिए हुए हैं वो ब, ब, वो करेंगे लेकिन 24 घंटों के लिए मौका दिया जा रहा है जो अपने स्टूडेंट हैं जो रेगुलर व्यूअर हैं अगर चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो चार का ये जो बैच है ये वन में वो ज्वाइन कर सकते हैं 24 घंटों के अंदर अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इनके लिए एक मौका है अभी देखो सारी क्लासेस वगैरह हो गई हैं लगभग लगभग तो ये वीओडी फॉर्म में मिलेगा यानी कि जो जो भी वीडियोस हैं फटाफट से 15 दिन में अब आपकी अगर क्षमता है 15-20 दिन में अच्छे से तैयार करने की तो वो आपके ऊपर है देखते हैं आप कितना तैयार कर पाते हो ठीक है तो आप जो है जाकर के एमजेडीएफ से इसे ले सकते हो कूपन कोड वगैरह सब कुछ आपको वहीं डिटेल में मिल जाएगी अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए ठीक है लेकिन ध्यान रहे 24 घंटों का ही समय है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाल ही में ईट स्टेशन right स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला कौन बना तो दोस्तों ये बन गया है अभी हाल में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन स्टेशन ईट का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और यह पहला उत्तर पूर्वी रेलवे स्टेशन बन गया है ईट राइट स्टेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे साथ ही साथ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यह क्यों मिला है यह भी जानेंगे देखो सबसे पहले तो ये किसके द्वारा दिया जाता है एफ एस एस ए आई के द्वारा दिया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है ठीक है इसके द्वारा ये देखा जाता है कि ये जो स्टेशन है चाहे वो रेलवे स्टेशन है कभी कभी जेलों को भी दिया जाता है जो भी वो पर्टिकुलर एरिया है या जो संस्थान है वहां पर देखा जाता है कि वह पूर्वक वहां पर फूड सामग्रियां खाद्य सामग्रियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं हाई क्वालिटी न्यूट्रियस फूड ये सभी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं पैसेंजर्स को यह सुनिश्चित करता है और उसके बाद टैग देता है ठीक है इस टैग को मिलने के बाद से उसकी इकोनॉमी उस स्टेशन की या फिर वो ख्याति या नाम कह सकते हो पहचान कह सकते हो वो बढ़ जाती है ठीक है क्योंकि एफ एस एस आई एक संस्था है भारत में जो गुणवत्ता वगैरह चेक करती है खाद्य पदार्थों की ठीक है तो इसके द्वारा अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है वैसा नहीं है कि इससे पहले कोई और नहीं मिले हैं ये तो पूर्वोत्तर का पहला बना है भारत का पहला कौन सा बना था स्टेशन तो आप बताएंगे भारत का पहला स्टेशन बना था दोस्तों मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 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 ईट राइट से सम्मानित पहला रेलवे और अगर पूछा जाए के द्वारा ही फाइव स्टार रेटिंग वाली यूपी की पहली जेल कौन बनी थी तब आप बताएंगे फरुखाबाद और दूसरी जेल बनी थी बुलंदशहर जेल अब इसको मैं इसलिए लिखा हूं यहां पर स्पेशली क्योंकि बुलंदशहर जेल आप ढूंढोगे तो जल्दी आपको यही मिलेगा टॉप पर और अमूमन लोग गलती कर देते हैं लेकिन ध्यान रहे एक तो ये यूपी की पहली जेल बनी है फरुखाबाद जेल और दूसरे नंबर पर बनी है बुलंदशहर जेल ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है बुलंदशहर जेल ये पहली नहीं है ठीक है एफ के द्वारा फाइव स्टार रेटिंग पाने वाली है। तो एफ यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा ही किया जाता है और अभी कुछ दिन पहले इससे ही रिलेटेड तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि इसने घोषणा की है कि एक बार फिर से पूरे देश भर में सभी प्रकार के जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनकी सैंपलिंग ये करेगा इकट्ठा करेगा उनकी जांच करेगा ठीक है एक बार फ्रेश तरीके से अगला हाल ही में फीफा अंडर ट्वेंटी विश्व कप दो का खिताब किसने जीता तो देखो फीफा अंडर ट्वेंटी का अभी हाल ही में विश्व कप आयोजित हुआ समा, समापन हुआ इसका और इसको जीत लिया है उरुग्वे ने उरुग्वे देखो पहली बार जीता हुआ है ठीक है अंडर ट्वेंटी की कैटेगरी की बात की जा रही है यहां पर देखो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 बीट इटली 1-0 इन फाइनल टू टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम ये पहली बार जीता है उरुगवे ठीक है फीफा अंडर 20 का छियासवें मिनट में इसने जीत दर्ज की इटली को एक जीरो से हरा करके इससे पहले दो बार ये फाइनल खेला था लेकिन फाइनल में हार गया था उन्नीस सौ दोनों में फाइनल हार गया था ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका से लास्ट बार जीता था 2011 में अब चूंकि उरुग्वे भी दक्षिण अमेरिकी कंट्री है तो यानी कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में लास्ट बार जो किताब आया था वो 2011 में आया था और अब जाकर के आया हुआ है दोबारा से ये फीफा अंडर ट्वेंटी है अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता दोस्तों अर्जेंटीना रहा था अच्छा एक और चीज अर्जेंटीना में ही ये आयोजित किया गया था ये जो अंडर ट्वेंटी का विश्व कप था ना ये अर्जेंटीना में ही आयोजित किया गया था और अर्जेंटीना देखो अभी 2022 का विजेता भी रहा था ठीक है ना 2022 का विजेता भी रहा था और अर्जेंटीना भी एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ठीक है वहां पर देखो फुटबॉल का अलग ही क्रेज है अर्जेंटीना के ही हैं लियोनल मेसी जिन्होंने जिताया है अपने देश को इस बार फीफा वर्ल्ड कप वैसे फीफा के बारे में अगर बात करें तो फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन क्या होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर आप बताएंगे ज्यूरिक में है कहां पर है ज्यूरिक में है स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका और इसके अध्यक्ष कौन है गियानी एनफेंटिनो कौन है गियानी इन्फेंटिनो है इसके अध्यक्ष अच्छा फीफा की अभी रैंकिंग भी तो आई थी फीफा की रैंकिंग जारी की गई थी इस रैंकिंग में टॉप पर इस बार अर्जेंटीना रहा था अर्जेंटीना रहा था सेकंड पोजीशन पर फ्रांस आ गया था फ्रांस आ गया था और भारत की अगर रैंक रैंक की बात की जाए तो भारत जो है एक स्थान पर आ चुका है क्लियर है इतना आगे बढ़ते हैं हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है तो इसे जीत लिया है दोस्तों तो ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है यहां पर आप आर्टिकल देखेंगे ललिता नटराजन गेट्स यूएस गवर्नमेंट इकबाल मसीह अवार्ड ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकबाल मसीह जो है एक छोटे बच्चे का नाम था जो कि पाकिस्तान का था और वो छोटा बच्चा जो है ना वो आ, बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक प्रकार से एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का बन गया एक्चुअली में हुआ क्या था इसके पीछे कहानी क्या थी कि वो जो बहुत जब छोटा ही था तभी उसको आ, कुछ आतंकवादी या कहें कुछ उग्रवादी लोग उसको किडनैप कर ले गए थे और फिर एक मुहिम शुरू हुई एक कैंपेन शुरू हुआ और इसके बाद लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसको वो मार दिए बारह साल की ही उम्र में वो लोग उसको मार डाले और इसके बाद से पूरे दुनिया भर में ये चीजें फैल गई और फिर इसको लेकर के एक कैंपेन शुरू किया गया ऐसा दोबारा ना हो बाल श्रम बाल उन्मूलन इन सब को लेकर के तो इसीलिए अमेरिका ने यह पुरस्कार देना शुरू कर दिया ठीक आपको एक कहानी और दिमाग में साथ साथ चल रही होगी मलाला यूसुफ जई का हालांकि मलाला यूसुफ जई तो अभी तो जिंदा हैं लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था उनको भी कुछ आतंकवादी जो हैं उन पर अटैक कर दिए थे बस में उन पर हमला कर दिए थे और उनको भी आगे चल कर के नोबेल वगैरह मिला सबसे कम साल उम्र की नोबेल विजेता बनी मलाला युसुफ जई चौदह वर्ष की उम्र में ही नोबेल पीस प्राइज पा गई थी ठीक है तो अभी भी वो दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं वो भी पाकिस्तान से हैं ऐसे ही ये भी इकबाल मसीह नाम का ये जो ये छोटा बच्चा था ये भी था हालांकि इसके 12 साल की उम्र में इसे मार दिया गया ये नाइन्टीन की भी बात है उसी टाइम पर ये हुआ था कि इंसिडेंट ठीक है तो 2008 से ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है ठीक है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार तो इस बार किसे मिला ललिता नटराजन को क्लियर चलिए तो ये तो थे आज के दिन के टॉप टेन करंट अफेयर के क्वेश्चंस आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ जो लोग सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं आज वाला ऑफर मिस मत करना सरप्राइज ऑफर है इसका फायदा उठाओ कूपन कोड वगैरह सब आपको एमजेटी पर ही पता लग जाएगा जा करके आप जरूर चेक करना चलिए डेट हरती की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और रिवीजन करते हैं आज हम लोग 600 क्वेश्चन को पार कर जाएंगे हाल ही में महिला टी ट्वेंटी विश्व कप का खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया ने ही तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली है विश्व एनजीओ दिवस सत्ताईस फरवरी को मनाया गया कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में देश की पहली मरीना बनाने की योजना बनाई है ये उडुपी जिला में बनाया जाएगा और अभी हरि बाल कृष्णन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं इनको मार्कोनी पुरस्कार 2023 मिला है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ डिजर्ट फ्लैग एट का अभ्यास किया है और अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा चिंतन शिविर आयोजित किया गया असम में अभी यू के निवेश अवसरों के यू में निवेश के अवसरों को चर्चा करने के लिए आई टू यू टू उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी हुई आई टू यू टू एक ग्रुप है एक प्रकार से क्वाड ये भी कहा जाता है इसमें इसमें कौन कौन से देश हैं इसमें इंडिया है इसराइल है यूएसए है और यूए है इसीलिए आई टू यू टू कहा जाता है इसे सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीत लिया है और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जूनियर महिला एशिया चैंपियनशिप भी भारत ने जीता है केरल राज्य के ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है और अभी जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 बिलियन डॉलर में छह पनडुब्बियों के निर्माण के लिए डील साइन करी है इसके अलावा 28 फरवरी उन्नीस में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की रमन इफेक्ट की खोज की वजह से 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है आप सब जानते हैं क्वेश्चन थोड़ा जानबूझ करके लंबा किया गया है ब्रिटेन में यूरोपीय संघ के उत्तरी आयरलैंड एक देश है इसको नई व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं ये दोनों ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीत लिया है एक बार फिर से भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है यह मिशन अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की पहल पर शुरू किया गया है और अभी असम के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीडित बायोगैस संयंत्र यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का अनावरण किया है अगला फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं शैलेश पाठक और पेप्सी के नए ब्रांड ब्रांडिस्टर रणवीर सिंह को बनाया गया है और सात साल के अंतराल के बाद एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित हुआ प्रसिद्ध वायु वायुभ्यास कोबरा वॉरियर ब्रिटेन में हुआ और नोकिया ने 60 सालों में पहली बार अपना लोगो वगैरह डिजाइन वगैरह चेंज किया है और इसके सीईओ हैं कौन पिक्का लुंड मार्क इनका भी नाम आप याद रखेंगे अब इस प्रकार से आप 600 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं देखो 30 दिनों में आपने 600 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए डेली का डेली 20 क्वेश्चन आपका रिवीजन कराया जाता है इसीलिए मैं कहता हूं रेगुलरिटी बनाकर रखो थोड़ा थोड़ा ही करके ये आयुर्वेदिक डोज है जो आपका मिलता जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से पुरानी चीजों को रिकॉल करते जाएंगे चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चन की नोवाक जोकोविच अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं तेईस ग्रैंड स्लैम के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा ये ग्रैंड स्लैम विजेता है जून 2023 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बनाए गए हैं अमित अग्रवाल यू के बनाए गए हैं आज आपको क्या बताना है आज आपको बताना है निम्न में से किस देश को यूरोप का भारत कहते हैं और साथ ही साथ किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की है दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना इसकी क्वीज पीडीएफ आपको एमजेटी एप पर मिलेगी ऑफर का फायदा भी उठाइए जाइए एमजेटी एप डाउनलोड कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम